बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को भी शामिल किया गया। केंद्रीय मंत्री के तौर पर इस्पात मंत्रालय का जाकर उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। आरसीपी सिंह करीब 11 बजे अपने मंत्रालय पहुंचे और वहां पर जाकर के उन्होंने कामकाज संभाल लिया। आपको बताएं कि आरसीपी सिंह के तरफ से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी लक्ष्य तैयार किया गया है, जो भी लक्ष्य तय किए गए हैं, उसको हासिल करना उनका लक्ष्य रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि कैसे देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा, ये उनका प्रयास रहेगा। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भले ही इस्पात मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया हो, लेकिन अब तक उन्हें पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बधाई संदेश नहीं मिला है। नीतीश कुमार ने ना तो आरसीपी सिंह और ना ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल दूसरे नेताओं को कोई बधाई दी है। ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले नीतीश कुमार अक्सर ऐसे मौकों पर ट्वीट कर बधाई जरूर देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद ही अपने ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर चुप्पी साध रखी है। ये सवाल तब उठता है जब नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह के शपथ लेने के बाद बुधवार की रात बाढ़ नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक से जुड़ा ट्वीट किया और आज सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर भी शोक जताया। मुख्यमंत्री के तरफ से आधिकारिक तौर पर वीरभद्र सिंह के निधन पर शोक संदेश भी जारी किया गया, लेकिन आरसीपी सिंह के मंत्री बनने पर अब तक के नीतीश कुमार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो बीते दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें से 36 नए चेहरों को शामिल किया गया, जबकि 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। आपको बताएं कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी शामिल रहे, उनको इस्पात मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया है। वहीं बात करें अगर लोजपा के नेता पशुपति कुमार पारस, तो उनको भी शामिल किया गया। तो अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, तो बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार के तरफ से उनको बधाई क्यों नहीं दी गई है, क्योंकि अक्सर नीतीश कुमार ट्विटर पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अब ऐसे में विपक्ष की ओर से सत्ता पक्ष के नेताओं पर निशाना साधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि पार्टी में कुछ गड़बड़ चल रही है, यानी कि दाल में कुछ काला है। देखना होगा कि बिहार की राजनीति में आगे क्या कुछ खेल देखने को मिलता है। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।